पौड़ी है, पौड़ी में आप इसको घुमा के एक दो आदमी यहाँ पे प्रहलाद नेगी जी, और इन्होंने नया आविष्कार किया है यहाँ पे, मतलब कर रहे हैं हेलीकॉप्टर बना। एक छोटा सा गैरेज है प्रहलाद नेगी जी का, ये है न्यू बस स्टेशन पौड़ी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ किसी खास जगह में, तो आप देखते रहिए मेरा पूरा ब्लॉग और देखिए मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ आज। तो मैं आ गई हूँ अभी पौड़ी के न्यू बस स्टेशन में, तो न्यू बस स्टेशन भी मैं आपको दिखाऊँगी, और यहाँ पर कुछ खास आपको दिखने को मिलने वाला है आज, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये है न्यू बस स्टेशन पौड़ी का, और यहाँ पे एक भी गाड़ी अभी खड़ी नहीं है, एक दो ही हैं लगभग। वैसे गाड़ियाँ तो नीचे ही खड़ी होती हैं, लेकिन ये बना हुआ है। यहाँ पे शादी वगैरह भी काफ़ी हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। और यहाँ सामने पे है कंट्रोल, तो लोग यहाँ पे राशन लेने के लिए भी आ रखे हैं और आ भी रहे हैं इधर से। तो इधर का व्यू ये है आगे, और यहाँ पे है कंडोलिया मंदिर। ये न्यू बस स्टेशन के नीचे पे है कंडोलिया मंदिर, रेक ऊपर पे है। तो ये है यहाँ पे, और ये बहुत सारी लेडीज़ें यहाँ पे जा रही हैं सामान लेने के लिए। तो न्यू बस स्टेशन के यहाँ पे है एक छोटा सा गैरेज है, तो यहाँ पे जो काम करते हैं ना लड़के, वो बहुत सालों से हैं, और उन्होंने एक नया आविष्कार ही समझ सकते हैं कि नया आविष्कार क्या है, एक हेलीकॉप्टर, कम खर्चे में एक हेलीकॉप्टर बनाया है। तो जाते हैं वहाँ पे और उनसे बात करते हैं। तो ये पौड़ी न्यू बस स्टेशन के सामने एक छोटा सा गैरेज है प्रहलाद नेगी जी का, और उन्होंने एक नया आविष्कार किया है यहाँ पे हेलीकॉप्टर का, जो कि आजकल बहुत चल रहा है उत्तराखंड में। तो हम यहाँ पे आ रखे हैं प्रहलाद नेगी जी से बात करने के लिए, तो उनसे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कैसे उन्होंने इसका आविष्कार किया है, छोटा हेलीकॉप्टर बनाने का उनका भी ये प्रयास जारी है, तो इतना उन्होंने बना दिया है। आगे वो चाह रहे हैं कि उनको सपोर्ट मिलेगा तो वो काफ़ी कुछ अच्छा बना देंगे इसको, तो करते हैं उनसे बात। तो ये हैं यहाँ पे प्रहलाद नेगी जी, और इन्होंने नया आविष्कार किया है यहाँ पे, मतलब कर रहे हैं हेलीकॉप्टर बनाने का, उनका प्रयास जारी है, तो इनसे बात करते हैं। तो आपने सपोर्ट कीजिए, हाँ इनको सपोर्ट भी कीजिए सब लोग जो जो इसको देखेंगे। तो आप ये बताओ ना कि आपके माइंड में मतलब कैसे आया कि आप इसको बना सकते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। एक्चुअल में मैकेनिकल का काम करते हैं यहाँ पे गाड़ियों, अच्छा, हाँ, हाँ। चीज़ें होती है कि लगाव होता है, फिर लगाव होता है गाड़ियों से, तो उनसे सोच के विचार से अलग लगाव मन में था कि यार कुछ हटके करें हम इस काम को, अच्छा। सोच के हिसाब से तब कुछ काम को हटके किया, तो अभी कर रहे हैं उस काम को, सपोर्ट की जरूरत है उसके लिए। देखते आगे क्या होता है इसके लिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, वही दिक्कत है यहाँ पे मेन है, पार्ट्स की दिक्कत। पार्ट्स होता है, सही बैकग्राउंड होता है किसी काम करने के लिए, अच्छी अच्छी काम करने के लिए सबसे मेन होता है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड सही मिलता तो काम करने में दिक्कत नहीं आती, और एक सामान का भी लेवल होना जो हमारे पौड़ी जैसे क्षेत्र में दुर्लभ क्षेत्र है, सामान मिलना बहुत टफ होता है। सही बात है, अच्छा। पब्लिक का डिमांड थी यहाँ पे कि ये उड़ रहा क्यों नहीं है, उड़ने के लिए बहुत चीजें हैं, उसके लिए बहुत ऐसा सामान लगता है, उसमें कार्बन फाइबर प्लेट लगती है, डायरेक्शन गियर पिच लगती है, कनेक्टिंग रॉड लगती है, 1400 के बीच में और 1200 के बीच में इनका आरपीएम होता है। तब इसमें जो प्रेशर होता है कम, वो जो बैक टेल रोटर होती है जो काफ़ी ताकि इसको एंटी लॉक ना घूमे, तो हमारे लिए इसको काम करना अभी इसमें बहुत काम था, लेकिन वही है प्रयास की पब्लिक को अच्छा रिस्पांस देने के लिए, थोड़ा ये कि गवर्नमेंट भी थोड़ा मदद मिल जाए और थोड़ा पब्लिक का थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाए, तो मैं शायद 1-1.5 साल में इसको काफ़ी अच्छा वो दिखा दूँगा। पर इनके लिए सबसे मेन होता है इसमें सेफ्टी पर्पज़ होता है, किसी काम करने ऐसे काम डेंजर काम करने के लिए सबसे मेन सेफ्टी होती है। अगर आप लाइसेंस होता है और अथॉरिटी होती है DMC SDM साहब से, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है जब इनके ट्रायल बेस होते हैं इनके, हाँ हाँ। तो खैर मेरे मन में यही था कि इतना हाई लेवल, मतलब था तो कि कर तो दूंगा इतनी नुकसान नहीं होगा, तो मेरे ऊपर थी माइंड में था कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इतना हैवी नहीं था भी ये, लेकिन हाँ अगर करेंगे अगर, लेकिन उसके बाद तब देखते हैं, उसके बाद तब सेफ्टी पर्पज देंगे इससे फुल करके इसको पूरे ढंग से करके। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमारा मेरे दिमाग में यही था कि हेलीकॉप्टर हमारे गाँव में ही हमारे क्षेत्र के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे अच्छा। पौड़ी है, पौड़ी में आप इसको घुमा के एक दो आदमी उठ बैठा के
बॉडी को ट्रेवल कर सकते, मतलब ट्रेवल आराम से 10 किलोमीटर तक उसका व्यू दिखा सकते हो कम खर्चे में। तो वो चीजें थे हमारे दिमाग में, शायद घर 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 में हेलीकॉप्टर मिल जाता आपको कम लागत में, ये चीजें हो सकती थी। खैर मैंने कम से कम इतनी कोशिश कर दी, यहाँ से दुनिया को दिखा तो दिया कि ऐसा भी हो सकता है। सही बात आज है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और तो कर देगा कोई तो और। लेकिन आपने अच्छा बहुत बड़ा काम किया है, लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। वो तो आ रहे है ना, हाँ तो बहुत अच्छा किया है आपने, नया आविष्कार बोल सकते हैं उसको। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया ना यहाँ पे उत्तराखंड में, किसी ने नहीं किया, किसी के माइंड में था ऐसा। हाँ हाँ ये है कि हमारे दिमाग में बहुत पहले चल रहा था, कर दे कर, वही है सोच बड़ी होनी चाहिए। हाँ माइंड में सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए फिर इंसान। सही बात है, वो तो सभी खाते हैं। माइंड में सोच होना चाहिए यार कि यार मैं कुछ अलग करूँ, उड़ ना जाओ वहाँ से। तो अभी हमारी बात हुई प्रहलाद नेगी जी से, जिन्होंने की नया आविष्कार किया है यहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, और इनको ना थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। तो पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि इनको नंबर लिखो, नंबर फ्लैश कर देंगे, नंबर भी फ्लैश कर देंगे, और इनको ना सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो भी इसको देखेंगे इस ब्लॉग को, तो वो इनको मतलब सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं न्यू बस स्टेशन पे और इनसे मिल भी सकते हैं यहाँ पे। तो उत्तराखंड में ये पहली बार नया आविष्कार इन्होंने किया है। तो बोलते हैं ना छोटी जगह या बड़ी जगह ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सोच बड़ी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेवल पे ला जाते हैं, मुझे पता बहुत लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये कुछ नया बना है। ऐसी सोच कोई कुछ तो ये इतना बड़ा मतलब बहुत, अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी शुरुआत है छोटे से गैरेज से, अच्छा टू व्हीलर फोर व्हीलर हेलीकॉप्टर, अच्छा ठीक है बढ़िया। तो आज हम मिले प्रहलाद जी से, तो उससे तो मुझे यही लगता है कि सोच बड़ी होनी चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में ये पहली बार देखने को मिल रहा है, और लोग ना बहुत आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या चीज़ है, क्या नया आविष्कार हो गया है, जो एक काम किया है, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, और वो चाह रहे हैं कि कम लागत में हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाए। तो बहुत बड़ी बात है, हम उत्तराखंडियों के लिए एक गर्व की बात है कि मतलब छोटे गैरेज से इतनी बड़ी शुरुआत कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बनाने का उनका माइंड में आ गया है। तो बहुत अच्छी बात है, और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करती रहिएगा। तो न्यू बस स्टेशन से ऐसे लगता है यहाँ का व्यू, सामने हिमालय, बहुत मस्त। आज धूप खिली है ना पौड़ी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है सामने का व्यू, ये देख सकते हैं बहुत प्यारा आगे लग रहा है। और ये चिड़िया भी चल रही हैं यहाँ पे, नीचे पे मंदिर भी है, और ना यहाँ पे वो है कंट्रोल है, तो लोग राशन लेने के लिए भी आ रखे हैं। और ऐसा यहाँ से दिखता है सामने सर्किट हाउस पौड़ी, ऐसा यहाँ पे है। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।